मेरी बेटी 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 है पिताजी। बेटी बोलो। ये देख तेरे लिए कितना बड़ा घर लिया है मैंने, दिख रहा है मुझे? हाँ देख ले। और देख इस शहर में इतना बड़ा घर मेरा मेरा लेना, समझ रही है? ये सिर्फ चाल है बेटी, ये चाल। और बेटी देख अब तो मैंने घर ले लिया है बेटी। हाँ अब घर के लिए देखो, घर के कुछ कायदे कानून होते हैं, खर्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए पैसा जोड़ना है। और तो और मुझे तेरी शादी की भी पड़ी हुई है। अब देख तेरी शादी करनी है, इस शहर में कोई अच्छा सा बढ़िया लड़का देखना है और उस लड़के से तेरा ब्याह रचा देना है। पिताजी हर वक्त शादी शादी क्या लगा रखा है आपने? सही लगा रखा है बेटी। नहीं करनी शादी। नहीं करनी? बाप के ऊपर बोझ बनेगी तू। बोझ? और क्या, कितना खाती हूँ मैं? कितना खाती है? अरे बेटी चार लोग थूकेंगे, ये थूकेंगी, वो थूकेंगे, ये थूकेंगे, सब थूकेंगे बेटी। क्यों थूकेंगे? यूँ थूकेंगे कि बेटी को कुंवारी रखा एक बाप ने, और कल को न्यूज वाले आके तेरी अखबार में भी निकाल देंगे। पिताजी आप ये फालतू की बातें क्यों सोचते हैं? मैं सोचता नहीं हूँ बेटी, मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए और मैं निर्धक हो जाऊँ। अच्छा और क्या, शादी करके मेरी शादी कर देना, खुद अकेले रहना पूरे मकान में। खुद अकेले रहना? और क्या। नहीं बेटी, अब बेटी देख अगर तेरी शादी हो जाएगी तो देख फिर उसके बाद में फिर मेरी भी शादी होगी, मैं भी कोई एक अम्मा कर लाऊंगा तेरे तेरे लिए। शर्म नहीं आ रही? तुझे मम्मी मिल जाएगी और मुझे एक चुम्मी मिल जाएगी उसकी। पिताजी थोड़ी शर्म कीजिए, बेटी हूँ आपकी। बेटी है तो क्या हो गया, अरे जवानी है अभी, हमें नूरानी है अभी, हमें ऐसी थोड़ी है। जवानी जवानी शादी करोगे? शादी करेंगे बेटी, देख पहले तेरी शादी करूंगा मैं। पिताजी क्यों मेरी ये नाक कटवाने के लिए घूम रहे हो? नाक नहीं कटेगी बेटा, नथ उतरेगी। क्या? नहीं मेरा मतलब है कि नथ उतरेगी। पिताजी आपकी हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ हरकतें? और क्या, ये हरकतें कितनी अच्छी कर रहा हूँ भाई, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं लोग मेरी हरकत। हाँ बेटी एक और तो और मैं ये चाहता हूँ कि तू मेरी अगर कहीं माने तो इस घर के वो मालिक से शादी कर ले तू। क्या? और क्या। पिताजी दिमाग खराब है आपका? नहीं नहीं अच्छा है। अच्छा है? अरे कितना बड़ा है वो मुझसे उम्र में। बड़ा है? और क्या। अरे उम्र में वही तो बड़ा है, बाकी सब छोटा है उसका। बाकी सब छोटा है। क्या छोटा है? अरे सब छोटा है, कद छोटा है, उसके हाथ छोटे छोटे हैं, सब छोटा है। पिताजी काफी बड़ा लगता है वो मुझसे। हैं? काफी बड़ा? मैं तुझसे पहले गया हूँ, तुझमें बुद्धि नहीं आई। हैं? तो बुद्धि नहीं आई तुझमें? देख मैं तुझे बताऊं, दौलत शोहरत उसके पास क्या क्या नहीं है। देख तमाम पैसे हैं, बैंक बैलेंस उसके पास अच्छा खासा, गाड़ी है, सब कुछ है उसके पास। और क्या चाहिए तुझे? और मुझे सब यही चाहिए। वही लालच। लालच हर वक्त लालच है। लालच नहीं। और तो और देख बेटी मैं ये चाहता हूँ कि इस घर में जब तेरी शादी हो जाएगी, राज करेगी तू और सेठ बनूंगा मैं, और दोनों राज करेंगे बैठ के मस्त। फ्री का खाने के लिए चाहिए। जब और क्या, सही कह रही हूँ मैं। सबको चिल्ला चिल्ला की मत बता कि हम फ्री का खाते हैं, सबको मालूम पड़ गया तब। बताऊंगी, ऐसे ही बताऊंगी। अब सुन मेरी बात सुन, मुझे चाय पिला दे बेटी। दादी चाय तो मैं बना दूंगी आपके लिए, शादी वादी की बातें मत किया। चाय मेरे लिए नहीं, दो कप चाय बना, और दो कप चाय तू तो चाय पीती नहीं है, पर चाय पीनी पड़ेगी। अब तू जो है उसके लिए चाय लेकर के जा, प्यार से उसको सहला फुसला, और तो और उससे मीठी मीठी प्यार की बातें कर, उससे पूछ, और उससे हर एक ऐसी बातें कर उससे गहराई में जा, और उसके बाद धीरे 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 ऐसे करते करते एक दिन प्यार का इजहार कर देगी तू, वो तुझे अपना लेगा, और जब तेरी शादी हो जाएगी पैसा ही पैसा होगा। मुझे नहीं लगता आप मेरे पिताजी हैं। नहीं हम तो भिखारी हैं, नकली पिताजी हैं। जब हाँ, अरे हमने तुझे पैदा किया है, हम पिताजी कैसे नहीं हो सकते, बता भाई। ऐसी शिक्षा कौन देता है? हम देते हैं। किसके पिताजी देते हैं? मैं देता हूँ। वही तो, इसीलिए तो कह रही हूँ असली पिताजी नहीं लग रहे हो, नकली पिताजी लग रहे हो मेरे। तू नहीं मानेगी, जा जल्दी जाके चाय बना और चाय लेके जाओ उसके रूम में। पिताजी मैं उसके पास कैसे जाऊंगी? पैरों से, तेरे लिए रथ मंगवाऊं? अरे पैरों से तो जाऊंगी लेकिन अब जा, कभी बात की है नहीं मैंने। जा तू जा। हमारी बेटी में दिमाग तो है नहीं है, उस दिन एक्सरे कराया तो घोटू में दिमाग निकला इसके। अब जाता हूँ इससे, यूं कहता हूँ इलायची विलायची डाल, हर चीज डाल इसमें चाय में। सुनिए जी, सुनिए जी, हाँ?
अरे, अरे सीमा जी आप? हाँ मैं, वो मैंने सोचा मैंने अपने लिए चाय बनाई थी तो सोचा मैं आपके लिए भी ले चलूं। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मौसम भी बहुत अच्छा है चाय का। हाँ खुद आप, मैंने देखा है कि आप खुद चाय बनाते हैं तो। हाँ थोड़ी दिक्कत तो है लेकिन। आज से मैं चाय लेकर आया करूंगी आपके लिए। आप रोज चाय लाएंगी मेरे लिए? हाँ, क्यों नहीं। बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताइए। पूछिए। आप ये पुराने गाने क्यों सुनते हैं? पुराने गाने? हाँ। अरे बड़ी दर्द भरी कहानी है सीमा जी, बस ये जिंदगी कुछ चाय की तरह है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। अब आप जान के क्या करेंगी? अरे बताइए ना थोड़ा, आप मुझे बताएंगे तो आपका दर्द कम हो जाएगा। अरे भाई अब हमारा दर्द कौन कम करेगा सीमा जी, लेकिन हाँ एक बात तो है, आप हमारे लिए चाय लेकर आई और बड़ी खुशी खुशी लाई, इससे थोड़ा दर्द तो कम हुआ। हाँ और बताएंगे तो और भी कम हो जाएगा। बताने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अरे वक्त ही वक्त है मेरे पास तो। आपके पास वक्त ही वक्त है? और क्या। तो फिर आइए। चले आइए, आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। भाई आपने तो हमारा दर्द कम कर ही दिया समझ लीजिए। हाँ अब ये बताइए कि कुछ दर्द भरी कहानी हमारी जिंदगी में है और अब आप बांटने वाली मिल गई हैं। अच्छा आप ये बातें छोड़िए, आप एक बात बताइए। पूछिए। शादी क्यों नहीं की? शादी जी। क्या बताएं आपको, शादी करना तो चाहते थे लेकिन एक से प्यार किया वो भी हमारी हो ना सकी। वो क्या? बस कुछ दर्द भरी कहानी है, उसके बाद फिर एक और आई जिंदगी में, वो भी हमारी हो ना सकी। ये सिलसिला अभी तक जारी है, इसीलिए अब भाई हमारा तो औरतों से विश्वास ही खत्म हो गया है। विश्वास खत्म हो गया? हाँ हाँ विश्वास खत्म हो चुका। मतलब फिर तो आप शादी करेंगे नहीं? नहीं बात ऐसी भी नहीं है, शादी नहीं करेंगे, शादी तो करेंगे लेकिन कोई आम जैसी मिले तो सोचने पर थोड़ा मजबूर हो जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप मुझसे कुछ ज्यादा ही बड़े हैं? अरे हम क्या बड़े हैं, आप तो वो देखिए। वो मतलब? मतलब हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घर है। वो तो मैंने खैर देखा है। हाँ वैसे एक बात पूछूं आपसे। क्या क्या आपको लगता है मुझे शादी कर लेनी चाहिए? बिल्कुल। अरे अभी तो आपकी काफी जिंदगी है, कैसे कटेगी? तो आप ही बताइए क्या करूं। अच्छा शादी तो आप करेंगे लेकिन कोई लड़की है आपके नजर में? लड़की? अगर आपकी नजर में हो तो बताइए। मेरी नजर में तो अभी कोई नहीं है। आपने कोई लड़की नहीं देख रखी क्या? अरे सीमा जी लड़की तो बहुत देखी लेकिन कोई पसंद नहीं आई। फिर शादी करेंगे तो लड़की तो आपको देखनी पड़ेगी। हाँ बात तो आपकी ठीक है लेकिन चलिए ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। वैसे सीमा जी, जी आपको कैसे लड़के पसंद है? मैं बताता हूँ कैसे लड़के पसंद है। चौधरी साहब। पिताजी बेटी तू अंदर जा। आइए चौधरी साहब आइए। मैं तो आ गया। अच्छा खैर बेटी चली जाएगी। चाय लीजिए। चाय नहीं पीता हूँ मैं दूध पीता हूँ। और बताइए तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? बढ़िया। चौधरी साहब आपको खांसी बहुत है? हाँ खांसी बहुत है। तो कुछ लिया नहीं आपने? लिया? हाँ हमने ली थी। ली थी? लिया था। अच्छा। नहीं बाल जीवन घुट्टी। बाल जीवन घुट्टी? हाँ। पी के करो खांसी की छुट्टी। अरे चौधरी साहब बाल जीवन घुट्टी तो बच्चे पीते हैं। हाँ? बच्चे पीते हैं वो तो। अरे तो मैं भी तो बच्चा हूँ। स्वीट बेबी। स्वीट बेबी। वैसे आप बातें बड़े मजे की करते हैं। बस बस यही है। वैसे एक बात बताइए कि ये जो घर है तुम्हारा, मुझे एक बात बताइए कि ये घर तुम्हारे नाम है या इसमें कोई और भी हिस्सा है, किसी का कोई हिस्सेदार है इसमें? चौधरी साहब घर तो पिताजी के नाम है। अच्छा। हाँ और एक मेरा भाई है छोटा और मैं हूँ, बस हम दो ही मालिक हैं। फिर तो हो गया काम है? नहीं नहीं मैं ये कह रहा था कि फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है भाई। देखो पिताजी के नाम है घर, ठीक है। अच्छा अब ये पिताजी की देखो, अब हमारे का कोई वो नहीं है, है ना।
अब कब पिताजी चार गंदों पे सज करके जाए। अरे नहीं नहीं चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं है। नहीं, भाई भगवान करे हमारे पिताजी को लंबी उम्र लग जाए। पता नहीं है कुछ, आज के जमाने में कुछ नहीं पता। अब आप सोच रहे होंगे कि आप ये सब बातें क्यों पूछ रहे हैं। हाँ, मन में चलता है, मन में मैं जानता हूँ, मैं थोड़ा अंतर्यामी भी बाबा भी रह चुका हूँ पहले, तो बाबा रह चुका हूँ तो मन की बातों को जान। चौधरी साहब बच के रहना थोड़ा बाबाओं की है। अच्छा कोई बात, अपमानजनक बात मत करो, नहीं बता रहा हूँ मैं। अब सुनो, ऐसा है कि मेरी बेटी है ना, अब देखो इसकी उम्र होने आई, अब इसकी मुझे करनी है शादी। हो गए? नहीं नहीं नहीं, बता बता चौधरी साहब। बड़े लाए गए, बड़ा कल नहीं आए। क्या है कि कुछ सपने कभी कभी देखने लगता हूँ। सपने? हाँ। कैसे सपने? अरे आपने बेटी का नाम लिया है तो एक सपना सामने आ गया। ऐसा है? अरे पर तो सपना साकार। अरे तुम क्या सोच रहे हो कि मेरे पास जमीन दौलत शोहरत बंगला गाड़ी कुछ नहीं है, सब कुछ है। नहीं छोड़े साहब, भाई मैं ऐसा नहीं सोच रहा। नहीं ऐसा सोचता है इंसान। अब मैं आपके यहाँ क्यों आया हूँ कि मैं अपनी बेटी को यहाँ गांव से निकाल करके शहर में इसलिए लेकर के आया हूँ कि यहाँ जो मेरी बेटी की मैं शादी कर सकूँ किसी अच्छी परिवार में। शादी? शादी। अब अच्छा फिर क्या सोचा आपने? मैंने सोचा ये, जब मैंने आपकी सूरत देखी तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी आपके साथ बहुत खुश रहेगी। चौधरी साहब आप कभी कभी बड़ा अच्छा सोच लेते हैं। हाँ अरे क्यों नहीं। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि देखो बेटी मेरी कहीं और जाए, यहाँ मैं रह रहा हूँ। मुझे कितने महीने हो गए होंगे, 6 महीने तो हो गए मुझे आए हुए यहाँ। हाँ चौधरी साहब 6 महीने तो हो गए। 6 महीने की मुलाकात में मैंने सब कुछ जान लिया आपके बारे में, और आज तक की रिकॉर्ड में मैंने कभी किसी से तुम्हारी बुराई नहीं सुनी, तो मेरे लिए तो सबसे बढ़िया तुम ही हो। तुम्हारे इस घर में जो है तुम्हारे अलावा कौन कौन है, मतलब तुम्हारे बहन भाई हो? घर में? हाँ घर में रह देखे, एक मेरा छोटा भाई है। अच्छा? रहे पिताजी? डोकर भाई पिताजी ही तो चौधरी साहब, उम्र हो ली, पिताजी निकल गए हिमालय पर्वत पे। अच्छा? हाँ गुरुदक्षिणा ली होगी उन्होंने। गुरुदेव। अब एक मेरा भाई रह गया है। अच्छा? बड़ा सोना है। अच्छा बस कुछ दिनों में सूचना आई है कि पधारने वाला है। अरे तो आने दो आने दो। तो इसका मतलब जो तुम्हारा भाई है उसका इस घर में हिस्सा है? बिल्कुल है, आधा घर उसका आधा मेरा। ओ ठीक है ठीक है ठीक है। भाई कुल मिला के हमने जो इसकी मालिया हालत अभी निकलवाई थी। हाँ। तो कर 3-3.5 करोड़ का है। तो हम लूट लेंगे उसे है? नहीं मेरा मतलब है, हम अब अगर आपका भाई आ रहा है तो क्यों ना तुम्हारे भाई से रिश्ता करा दूं मैं अपनी बेटी का। लेकिन चौधरी साहब अभी तो आप मेरा जिक्र कर रहे थे। तुम बूढ़े हो गए हो। नहीं मेरा मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि मैं शादी पहले देखो तुम्हारे भाई को भी देखूंगा और तुम्हें भी देखूंगा, और थोड़े तुम्हारे सामने प्रश्न भी रखूंगा, और उन प्रश्नों का मेरे पैर मत दबा, ये टूट जाएंगे, खाना इनमें हड्डी है और कुछ नहीं है। चौधरी साहब सेवा का मौका कभी कभी मिले। नहीं नहीं मेरे पैर मत दबा, मुझे गुलगुली होती है। अच्छा अच्छा चौधरी साहब बताओ, मेरा जो छोटा भाई है ना जी, हर बात में मेरी खिलाफत में रहता है। तो बस मैं चाह रहा था कि शादी बेटी की मुझसे कर दो, रही बात मकान की तो आधा मकान मैं उसके नाम कर दूंगा। हाँ आधा मकान कर दोगे? हाँ पक्की बात है। मकान के अलावा बैंक में भी पैसा है, चिंता मत करो, स्कूटर मोटरसाइकिल है सब उसी की है। सुनो मैं तुम्हारे सामने एक बात रख रहा हूँ। देखो बोलो, तुम मेरे दामाद हो एक तरीके के। अच्छा दामाद मानता हूँ, लेकिन सुनो नहीं 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 सेवा मत करो, दामाद से सेवा नहीं करवाता हूँ। अच्छा ऐसा है, हर चीज में से मुझे आधा आधा चाहिए है? देखो मकान में से आधा, दुकान में से आधा, सुनो अच्छा, और तो और गाड़ी जो गाड़ी घोड़े हैं तुम्हारे पास छोटे से, उसमें से आधा। मकान दुकान तो आधा आधा सही है। हाँ लेकिन ये हर चीज में से आधा समझ में नहीं आया है मूर्ख। अच्छा अच्छा बताओ बताओ, गाड़ी वाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, बैंक बैलेंस में जितना पैसा है तुम्हारी बैंक में वो सब आधा। ये बात तो समझ में आ रही चौधरी साहब, मगर जो आधे की बात है ना। हाँ हो तुम्हें शर्म नहीं आती दादा जी? चौधरी साहब अगर आधा तुम ले जाओगे तो फिर मैं आधे का क्या करूँ? तो तुम चिंता मत करो, भाई को आने दो तुम। पिताजी खाना बन चुका है। खाना बन गया बेटी? हाँ क्या बनाया? जो आपने बताया, बैंगन आलू। बैंगन आलू और क्या? बत्ता बक्के। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चलो ना। अरे शादी की बात, शादी की वो तारीख तो फिक्स कर लो, शादी की बात बाद में करना, चलो। अरे ये हमारी बेटी पिताजी उठो ना, कितनी प्यारी है, मैं जब भी कहता हूँ अगर जो इसके नसीब में आएगा ना दूल्हा, ये समझ लो उसके दिन बन जाएंगे। झूठ नहीं बोल रहा मैं, चलता हूँ। खांसी की दवाई है, चल रहा हूं, ले लूंगा। आज का दिन बड़ा अच्छा था भाई, चौधरी भी अपने कब्जे में आ गया, लड़की भी अपने कब्जे में आ गई। चला
भैया भैया आप कौन है? मैं तो इस घर में जो रहते हैं उस घर का मालिक का छोटा भाई हूँ। आप कौन हो? छोटे भाई? हाँ। ओ, मैं किरायेदारनी इस मकान में रह रही हूँ। आप ही के मकान में किरायेदारनी? जी। क्या हुआ भैया? है अंदर? हाँ अंदर है, आओ अंदर। ये आपके भाई। मैं भैया। अरे छोटे तू? हाँ मैं। अरे तूने बताया भी नहीं कि तू आ रहा। तुमने मुझे बताया? मैंने क्या नहीं बताया तुझे? तुमने मुझे ये बताया कि इस घर में तुमने ये लड़कियां किराए पर रख लिखी हैं? लड़कियां किराए पर रखी हैं? हाँ, ये नंगी पुंगी से लड़की घर हमारे। अरे आहिस्ता बोल भाई, वो अच्छे परिवार की लड़की है, उसके पिताजी भी है। हाँ अच्छा परिवार, मैं देख रहा हूँ उसका पहनावा ही ऐसा है। पहनावा? तू गांव से आया ना, शहर में तो ऐसे ही पहनावे हो गए छोटे। हटो, ऐसे किराएदारों को मत रखा करो। अच्छा किराएदार? तो तू अब मुझे समझाएगा बड़ा भाई मैं हूँ कि तू है? नहीं बेसा, तुम मेरे बड़े भाई हो, इस घर में मेरा ही पूरा हक है। अरे तेरा पूरा हक है तो तेरा पूरा हक है तो सही, अब तू आ गया आराम से रह। तो एक बात बताओ, तुमने घर में ये किराएदार नहीं रख ली? तुमने मुझसे एक बार ही पूछा है? अरे यार हर चीज के लिए तुझसे पूछता रहूंगा मैं, छोटी छोटी चीज के लिए तुझसे पूछने जाऊंगा? क्यों नहीं पूछोगे, घर मेरा भी है। तो भाई आप छोटी छोटी चीज के लिए तुझसे पूछूंगा? सुनिए जी। अरे सीमा जी। हाँ मैं ये पूछ रही थी, आप खाने में क्या खाएंगे? खाने में आपको जो पसंद हो मैं वही बना लूंगी। अरे आज तो आपकी पसंद का ही खा लेंगे। अच्छा ठीक है, जो मुझे पसंद है वो खा लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और हाँ वो मेरा छोटा भाई भी आया। कोई नहीं, दो प्लेट खाना। ठीक है। क्या है ये? क्या है? देखा नहीं कितनी अच्छी लड़की है। कितनी अच्छी है ये बताओ, तुमसे चाय के लिए पानी के लिए पूछ रही है, तुम तो क्या है किराएदार नहीं है? अरे भाई किराएदार भी परिवार का एक मेंबर होता है। तो ऐसा मेंबर थोड़े ना होता है कि तुमसे बार बार। तो कैसा? सुनिए वो आपके जो मैंने कपड़े धोए थे ना। कपड़े? हाँ वो मैंने इस्त्री करके रख दी है आपके कपड़े टेबल पर, ले लेना। जी 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 फ्रेश हो गए वो कपड़े पहले। लो अब ये कपड़े भी इस्त्री रख करके धोए। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, मतलब हमारे पीठ पीछे हमारे ही घर में। अरे तू तो छोटी छोटी बातों का गलत मतलब निकाल रहा है। गलत मतलब निकालू ना निकालू, पिछले 20 साल से हम दोनों बगैर शादीशुदा हैं, दोनों रनवे हैं। छोटे तू नहीं चाहता तेरे भाई का घर बसे? अच्छा मैं तुम्हारा घर बसे? क्या आप नहीं चाहते बड़ा होके कि मैं छोटे भाई का घर बसे? हाँ तो देख पहल एक तरफ से होती है, पहले अच्छा अच्छा मतलब अपने चमन में मतलब फूल खिला रहे हो और मेरा चमन सूखा है। तेरा तेरे चमन में फूल। सुनिए वो एक बात कहनी थी आपसे। जी सी मुझे वो क्या है ना, वो मेरा मन कर रहा था कहीं मूवी देखने चले, तो 3 बजे चले, 3 से 6। एक मिनट जी, मैं भी थोड़ी देर में आके बताता हूँ आपको। ये छोटा भाई है ना, ये थोड़ा दिमाग का टर्की है। नहीं आज मेरा बहुत मन है, आप 3 बजे तक तैयार हो जाना। ठीक है दोनों चलेंगे। ओ वो ऐसी थोड़ी छोटी बात ना, किराएदार नहीं है, कपड़े धो रही है, खाना बना रही है, अब तो पिक्चर देखने भी जाएगी। पिक्चर ना? अब तो कुछ है ही नहीं। अरे पिक्चर देखने नहीं जाना? अरे मुझे मालूम पड़ गया, टीवी पे एक बहुत अच्छी पिक्चर आने वाली है। वाह भाई हो तो तुम जैसा, मतलब अपनी तो पूरी नहाने की तैयारी कर ली और छोटा भाई खाली शैम्पू बहाए। तू कितने शैम्पू गाँव में बहा रहा है मुझे सब पता है। क्या मेरे बारे में एक ही बात सुन नहीं सकते तुम? गाँव में आना होता ही गाँव है। और तू छोटी वो आपका नहाने का मैंने पानी गर्म कर दिया है, आप नहा लीजिए। जाओ ठीक है, जाओ नहा लो। सुन देख अच्छे परिवार के लोग हैं, और देख तू नहीं चाहता कि तेरी भाभी आए? एक बात बताओ, तुमने अपनी उम्र देखी है? उम्र? अरे तुम कहाँ बड़े बूढ़े बूढ़े बहन हो गए हो हैं? उसकी देखो, उसकी और मेरी जोड़ी कितनी प्यारी लगेगी है? अपने भाई के बारे में सोचो, जब तुम्हारे छोटे भाई का घर बस जाएगा तो मैं भी सोचूंगा कि मेरे बड़े भाई का, मैं भी तुम्हारे लिए बढ़िया ढूंढूंगा। छोटे बात सुन, तू अभी अभी गांव से आया है और तू यहाँ रिश्ते भी जोड़ने लगा। अरे घर में आ, नहा धो, चाय पानी ले, इसके बाद बात करियो। तो नहा धोना चाय पानी वो तुम ले तो रहे हो, तो एक बात पूछू तुमसे? पूछ। वैसे पूछना नीचे तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम्हें ऐसी कौन सी मशीन सेट कर दी इसके अंदर कि ये नहाना धोना सब? क्या बात कर रहा है बड़े भाई से? वो बाद में बात करूंगा। चल अंदर आ और थोड़ा देखभाल के बात करेगा।
बुड्ढे, वैसे आप कौन हो? कौन हो? मैं तो इस घर का मालिक हूँ, लेकिन आप कौन हो? मालिक तो हम भी बनेंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं कौन हूँ? वो सीमा है, सीमा। हाँ, वो लड़की, वो उसका पिता हूँ मैं, फादर। अच्छा, आप उसके पिताजी हो? जी। ओ अच्छा, फिर तो ठीक है। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि वैसे काम क्या करते हैं आप? जमींदार है, हमारे गांव में बहुत जमीन है। जमींदार हो? हाँ। कितनी बीघा होगी? कम से कम है 300 बीघा हमारे पास जमीन। बन गया काम। बन गया काम। क्या काम? नहीं, मेरा मतलब था, मुझे काम था आपसे। क्या काम था? देखो, दरअसल बात ये है बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? जी, मेरा नाम राज है। राज? देखो राज, आज की दुनिया में कोई नहीं चाहता कि कोई इंसान मुझसे आगे निकले। जहां तक कि अगर मैं हूंगा तो मैं भी यही सोचूंगा कि मुझसे कोई आगे ना निकले, मैं सबसे आगे निकलूं। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही, कहना क्या चाहते हैं? मुद्दे पे आइए ना। समझोगे? मुद्दे पे ले लेके आ रहा हूं। देखो, मुद्दे की बात यह है कि आपके जो भाई हैं, हाँ, उन्होंने रिश्ता लगाया है मेरी बेटी से आपका। मेरा? जी। कैसी बकवास कर रहे हो? आपकी बेटी तो मेरे भाई की सेवा कर रही है। कभी मेरे भाई के लिए गर्म पानी, कभी कपड़े लाओ, कभी नहाने के लिए, कभी चाय, कभी खाना। और तो और, आपकी बेटी ने मेरी तरफ तो एक बार मुड़ के भी नहीं देखा। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे लिए? मेरी बात सुनो। देखो, मेरी बेटी देखेगी, देखेगी मेरी बेटी, और अगर वो नहीं देखेगी तो हम उसे दिखवाएंगे। क्या? देखेगी। अब सुनो मेरी बात, मेरी बेटी तो सचमुच जो तुम्हारे भाई ने जो प्रस्ताव रखा था वो तुम्हारे लिए रखा था। हाँ। लेकिन तुम्हारा भाई जो है, अब देखो, मुझे तो ऐसे नहीं कहना चाहिए, वैसे मैं बड़ा बूढ़ा हूं, लेकिन तुम जो समझदार हो, अपनी समझदारी के हिसाब से मैं तुमको यही बोलूंगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारा ही भाई विश्वासघात कर रहा है। मेरा भाई विश्वासघात कर रहा है? अब पूछो क्यों और कैसे। कैसे? वो ऐसे कि तुम्हारा भाई नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी हो, क्योंकि शादी तो तुम दोनों भाइयों में से किसी की नहीं हुई। हाँ, ये तो है। ये बात है ना, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ? नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हो। अब बात ये है कि तुम्हारा भाई जो है अपना पौवा फिट करने में लगा हुआ है। पौवा फिट? उससे पहले मैं अपनी बोतल फिट कर दूंगा। करो, मैं यही चाहता हूँ बेटे। तुम्हारी तो बेटी हमारे भाई से लगी हुई है। आहा, मैं जिससे कह दूं उससे लगेगी वो। अब वो रिमोट है। अच्छा। और मैं रिमोट हूँ, वो कंट्रोल है, और मैं चलाता हूं। अगर तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे हो गई ना, तो देख लेना। रुक जाइए, तो मैं बुलाता हूँ। अच्छा। बेटी। जी पिताजी। इधर आ। बेटी। क्या हुआ पिताजी? आ गई। वैसे बेटी। जी पिताजी। देखो, मैं तो बड़ा बूढ़ा हूँ और तुम नौजवानों के बीच में मेरा कोई काम नहीं है, अच्छा नहीं लगता। ये तो है। तो बेटी। अरे, ये क्या था? तुम्हारे पिताजी क्या कहते? बात करने के लिए। बात करने के लिए छू? हाँ, वो चलो छोड़ो, ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, नहीं वैसे मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मतलब तुम तो मेरे भाई के लिए मतलब सारे काम करती हो। अरे पता है मैं काम क्यों करती हूँ? क्योंकि वो आपके बड़े भाई है। क्या कह रही है? बड़ा भाई? जी। कोई बड़ा भाई नहीं है। जिस दिन नीचे आ गई ना, सीटी बज जाएगी। जी, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही कमीना है वो, नहायती कमीना, इसलिए तो उसको यहाँ छोड़ा है हमने। क्या? सारी जमींदारी तो गांव की मेरे पास है। आपके भाई ऐसे हैं? अरे, एक नंबर का कमीना है, लुच्चा है, लफंगा है, ये मुझसे पूछो, तभी तो मैं उसके साथ नहीं रहा था। तो मुझे नहीं पता। उसके कुछ नहीं है, उसके पास फकीर है और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं, लेकिन वो तो कह रहे थे कि आधी प्रॉपर्टी मेरी है। क्या कह रहा था? आधी जमीन? जी। अरे मैडम, मेरे भाई के पास सिवाय घंटा हिलाने के कुछ नहीं है। मतलब? अरे मैं कह रहा हूँ, पूरी जितनी जमीन थी उसके हिस्से में जो आई थी, सब अय्याशी में बर्बाद कर दी, सब नई नई लड़कियों में। एक नंबर का तो अय्याशी बाज है, लड़की बाज, ना जाने इसीलिए तो पिताजी ने भगा दिया, और पूरी जमीन जायदाद सब मेरे नाम कर दी। इसीलिए कह रहे थे कि दो लड़कियों से प्यार किया और दोनों ने धोखा दे दिया, छोड़ के चली गई। हाँ, तो धोखा देंगी जब तुम एक के बन के नहीं रहोगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सीमा। अरे, नाम भी बड़ा प्यारा है जी। तुम वैसे हो बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू। नहीं वैसे, हमारे जब तुम शादी हो जाएगी ना तुम्हारी,
तो बात अच्छी बढ़ जाएगी। कह रहे हो तो है। नहीं वैसे तुम्हारे पिताजी कह तो सही रहते, देख लो तुम। देखो शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन क्या है वो ये दौलत है ना, इसमें से मुझे आधी मेरे नाम होनी चाहिए। अरे कैसी बात कर रही हो, शादी होने के बाद तो सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। अरे जब तुम मेरी हो जाओगी तो वो दौलत तुम्हारी और तुम्हारी दौलत मेरी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ मेरे नाम पर भी हो तो। अरे तुम्हारे नाम पर तुम जो कहोगी वो ताजमहल करवा दूंगा तुम्हारे नाम पे। अरे तुम तो ताजमहल से भी खूबसूरत हो मेरी जान। वो क्या है ना, जो मेरी सहेलियां हैं मेरी फ्रेंड, तो मैं उनको बता सकूं जिससे मेरी शादी हो रही है उसने शादी से पहले ही मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, तो मेरी फ्रेंडों के आगे मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। अरे ऐसी बात है तो बताओ, हम कर देंगे तुम्हारे नाम पे जमीन। मैं बता दूंगी। तो राजा तू ही बजाएगा इसका बाजा। सीमा जी, सीमा जी, अरे जी, सीमा जी क्या बात हो गई, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? आप दो तीन दिन से कुछ नजरअंदाज कर रही हैं और आज मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ा। हाँ देखिए तो? मुझे बुखार सा भी आ गया है। तो मैं क्या करूँ, अपने आप करो गर्म पानी। हाँ? मैं थोड़ी ना करूंगी। अरे ऐसी क्या बात हो गई कि आप एकदम नाराज हो गई? नाराज? अरे मुझे बात नहीं करनी है आपसे। मुझसे जी? मगर हुआ क्या है? हुआ क्या है, आप एक नंबर के झूठे हैं। झूठे जी? ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ, आपके भाई ने बताया कि आपके पास कुछ भी नहीं है। भाई ने? वो हाँ उस लफंगे में। हाँ और क्या कहा मेरे बारे में? यही कहा, एक नंबर के बदमाश भी हैं। बदमाश? अय्यासी बाज है, है? दारू बाज है। सीमा जी वो ठहरा एक नंबर का नालायक, गांव में उसकी कोई इज्जत तो है नहीं, वो थोड़ा गांव में कुछ औरतों लड़कियों के साथ गलत काम करता है। क्या? और यहाँ मुझे, अब आप बताइए, आप 6 महीने से मेरे यहाँ रह रही हैं और क्या आपने कोई गलत काम देखा मेरा? क्या आपने मुझे शराब पीते देखा? क्या आपने मुझे किसी दूसरी औरत के साथ देखा? नहीं वो तो नहीं देखा, लेकिन ये दौलत आपके भाई के नाम है ना। दौलत? और क्या? अच्छा जब ही मैं कहूँ, ये दौलत आधी आधी है, मेरे पास मेरे कागज रखे हैं, और आप कहो तो मैं लाके दिखाऊं। ये सीमा जी कहाँ गई? सीमा जी! अरे भाई खड़े हो जाइए, मैं आ रही हूँ वहीं पर। अरे सीमा जी जल्दी आइए। अरे आपने इतनी देर लगा ली तो मैंने सोचा तब तक मैं नहा लेती हूँ। आप तो कपड़े भी बदल आई। बदल के नहीं आई थी, थोड़ा नहा कर आई थी। अच्छा अच्छा चलिए, ये देखिए आप कह रही थी ना प्रॉपर्टी, ये देखिए आधी प्रॉपर्टी मेरा नाम है और अरे हाँ जो अब आपके नाम होने वाली है। लेकिन आपने मतलब आपके भाई ने झूठ क्यों बोला? उसकी तो आदत है, ये तो थोड़ी सी है, अगर आप गांव में जाके देखोगे ना तो उसको झूठे के नाम से जानते हैं। अब आप देख लो मैं झूठ तो नहीं कह रहा ना, सब कुछ ठीक है। ये तो सच है। पिताजी पिताजी चौधरी साहब, ये देखिए इनके जो बहुत छोटे वाले भाई है उन्होंने झूठ बोला था, कुछ भी नहीं उनके पास। कुछ भी नहीं? हाँ हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी तो इनके नाम है। प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है? ये तो आधी आधी है। हाँ हाँ चौधरी साहब, आधी मेरी है और आधी उसके पास कागज है। तो ऐसा करो चलो कचहरी। हैं? चलो कचहरी। लेकिन चौधरी साहब जी, कचहरी तो चल रही है, लेकिन ये तो बता दो आप कि शादी तो सीमा जी से ही होगी। आपने दवाई नहीं ली शायद? पिताजी नहीं, सीमा जी से ही होगी शादी। अच्छा, तो फिर ठीक है, चलो कचहरी। चलिए आओ कचहरी। चलो आए ना कचहरी। हाँ। और 10-10 रुपए का गन्ने का जूस भी पी लिया। हाँ। मजा आ गया। चौधरी साहब जी, अब तो मैंने आपके कहने के मुताबिक प्रॉपर्टी आधी प्रॉपर्टी सीमा जी के नाम कर दी। अच्छा बस अब शादी करवा दीजिए। देखिए हमारे घर के असूलों के मुताबिक हम जो है चौधरी साहब, पिताजी बीमार हो गए तो मेरी सांस रुक जाती है। प्रॉपर्टी आने के बाद लोग ठीक हो जाते हैं और आप बीमार हो रहे हैं। रुको ना, अब मेरी बात सुनो। ऐसा है कि जैसे कि अब जो हमारे उसूलों के मुताबिक जो क्या है कि जब आपने, अब देखो आपका रिश्ता तो पक्का हो गया मेरी बेटी से, अब तो कोई ये समझ लो कुछ नहीं रहा है ना, लेकिन अब जो है हमारे घर के उसूलों के हिसाब से हम जो है आपको गंगा स्नान के लिए भेजना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई जाता है गंगा स्नान। जी जी,
अब ये क्या है चौधरी साहब? हरिद्वार जाना पड़ेगा भगवान भोलेनाथ महादेव की शरण में। हरिद्वार? हाँ। अब हम शादी के बाद चले जाएंगे चौधरी साहब। नहीं नहीं, छूना भी मत। अच्छा, कलम को लगाएगा, जल्दी जाओ। बेटी मेरी जो है, मेरी बेटी कलम के है। क्या बोल रहे हो? मंगलिक। हाँ मंगलिक। हाँ मंगलिक। अब तुम जल्दी से जाओ और जल्दी से जल भर के लेके आओ, जाओ दर्शन करके आओ। जी हाथ नहीं, जल्दी जाओ। पिताजी अब देखिए तो चला गया। अब जो तू है, अब दूसरी चाल चल। अब जो दूसरा वाला इसका भाई है ना, उसकी भी हड़प ले प्रॉपर्टी। चल चल चलिए चलिए। सीमा जी। अरे आप आ गए? हाँ मैं आ गया। वो ये लो, तुम कह रही थी प्रॉपर्टी कागज। जी मैं ले आया सारे प्रॉपर्टी कागज। ले आए? मैं पिताजी को बुलाती हूँ। पिताजी बेटी आ गए। प्रॉपर्टी के कागज ले आए हैं, वो कल बोला था ना मैंने। अरे कागज पूरे हैं, दिखाओ ना मुझे, पढ़ने नहीं दो। पूरे हैं, तुम्हारे कहने से क्या है? अरे रजिस्टर ऑफिस बंद हो जाएगा, जल्दी करवाना करवा लो। हाँ पिताजी चलिए चलिए। ये आदि वाले हैं ना, आदि जगह वाले। हाँ जो भी है, मेरी पिमले नाम की जो प्रॉपर्टी। कचहरी चलिए पिताजी। तू कहाँ से आ रहा है? अरे मैं तो हरिद्वार से आ रहा हूँ, लेकिन तू कहाँ से आ रहा है? मैं भी हरिद्वार से आ रहा हूँ। हरिद्वार से? हाँ। सीमा जी हम आ गए। सीमा जी भिखारी कौन है ये? भिखारी पता नहीं, मैं नहीं जानती। अरे हम इस घर के मालिक हैं। हम मालिक? कुछ सोचे समझे तुम मालिक? अरे ये सारी, लेकिन आप कौन है जनाब? इस घर के मालिक मैं, इनका पति। इनका और ये सारी प्रॉपर्टी? लेकिन यहाँ तो इनके पिताजी थे। हाँ पिताजी। हाँ मेरे कोई पिताजी नहीं है, मेरे तो। अरे चौधरी साहब कहाँ है? चौधरी साहब? हाँ वही खांसने वाले चौधरी साहब। तुम्हारे पिताजी थे? शट अप। कौन से पिताजी? गेट आउट। या मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। गेट आउट। सीमा जी ये आप क्या कह रही हैं? मुझे पुलिस बुलानी पड़ जाएगी अभी, क्योंकि ये इस पर दस्तखत हुए हैं, कागज वाकायदा कागज है मेरे पास, और तुम दोनों ने दस्तखत के लिख लो। दस्तखत तो किए थे। गेट आउट। क्या तुमने भी? ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है। जाओ अब। मतलब छोटे बेबी भिखारी कहां से आया? इन लोगों ने। निकलो निकलो ना, इन्होंने हमारा दही बना दिया। और रख ले ऐसे किराया किराया घर में। निकलो, गेट आउट। लेकिन सीमा जी वो आपके पिताजी जो चौधरी साहब, वो कहाँ है? बेटे मैं ही पिताजी हूँ, अब तुम्हें इस घर से जाना। यानी कि आप दोनों ने बंटी बबली बनकर मुझे और मेरे भाई को। निकलो अब, जाते जब निकला दे। निकलो तो रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बात भी बोलने दो। हाँ? आप लोगों ने हमारे साथ जैसा किया है ना, ईश्वर आपके साथ ऐसी करेगा। वो ईश्वर को देख लेंगे। गेट आउट बेबी। चलो घूमने चलते हैं। छोटे आ गया तू? देखा, तेरी इसी नादानियों की वजह से आज हमारा घर भी गया और हमारी जायदाद भी गई। कभी भी तुझे किराएदार, ये शादी के लालच में आके ऐसे किराएदार रख लिए, देखा? लेकिन छोटे मैं तो नादान था, लेकिन तू उनके मकर जाल में कैसे फंस गया? अरे मैं तो क्या बताऊं, मैं भी उनके झांसे में आ गया। अब एक काम कर, देख हमारा घर तो गया, बस एक आस है, कचहरी चलते हैं। अपना वो वकील है ना विमल, उससे बात करते हैं, अगर कुछ हो सकेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं भी तेरे साथ गांव चल रहा हूं भाई। ठीक है मेरे भाई, चलो।